हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारा सेकंड डे है दुबई में और हम ऑलरेडी निकल चुके हैं बुर्ज खलीफा के लिए। राइट, ये हम लोग का होटल है जो आप हमारे पीछे देख सकते हो, कोर्ट यार्ड बाय मैरियट। और अभी यहाँ से जो मेट्रो स्टेशन है वो हम लोग को बुलाया गया कि 10 मिनट्स वॉकिंग है, तो हम लोग यहाँ से सीधा चल के जाएंगे। और फिर वहाँ से पूरा पास वास का जो प्रोसेस रहेगा वो आपको भी दिखा देंगे और फिर वहाँ से बुर्ज खलीफा जाने वाले। तो यहाँ से 10 मिनट का वॉकिंग है, अगर हम लोग को बीच में कुछ अच्छा दिखता है तो वो भी आपको दिखा देंगे। और ये जो हम लोग ने जो होटल बुक किया है वो आपको उसका रूम टूर देखना रहेगा, तो हमने लास्ट व्लॉग में दिया है। और हमारे मैरियट होटल के एग्जैक्टली सामने पलाजो बाय वर्साचे है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होटल है। यहाँ पे आई थिंक 20,000 दिराम या फिर 15,000 दिराम के आसपास से रूम स्टार्ट होता है, काफ़ी लग्जरी और प्रीमियम होटल है ये। सो अभी हम चल के जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ और हमारे होटल से मेट्रो स्टेशन लगभग 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। और इतना धूप नहीं है अभी, यहाँ पर अराउंड 11:30-12 बज रहे हैं। बटन दबाओ, हाँ, और फिर ग्रीन हो जाता है तो क्रॉस करो। यहाँ पे कार भी उतना स्पीड में आता है। हाँ, ऐसा तो रास्ता पूरा खाली है, बट अगर वो दबा के जाएंगे तो ज़्यादा इजी है, क्योंकि गाड़ी भी रुक जाता है, पता नहीं कहाँ से भी कोई भी गाड़ी फास्ट आ जाएगा, तो ये ज़्यादा सेफर लगा मुझे। ये मेट्रो स्टेशन है, कितना फ्यूचरिस्टिक लगा। सो हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे होटल से जो सबसे पास में मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे, इसका नाम है अल जदा। और इतना अमेजिंग बना है, जैसे इन्होंने पहले बोला एकदम फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। और हमें हमारे होटल से यहाँ पर वॉक करने के लिए हार्डली 5 to 7 मिनट्स लगा। अल जदा से आपने को यहाँ पे जाना है बुर्ज जुमान, और फिर वहाँ से यहाँ पे, मतलब ये अपना ग्रीन लाइन है और ये बुर्ज खलीफा रेड लाइन है। सो हम लोगों ने यहाँ पर 7 डेज का मेट्रो का कार्ड ले लिया है। इसमें भी दो कैटेगरीज है, एक सिल्वर और एक गोल्ड। तो गोल्ड यानी बेसिकली फर्स्ट क्लास होता है, और सिल्वर के 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि जनरल कैटेगरी में आप काउंट कर सकते हो। ये टिकट काउंटर है सीधा, और हम लोगों ने वहाँ से पास लिया है ऐसा वाला। और अभी जाते टाइम जैसे हम लोग मेट्रो में करते हैं वैसे ही मुंबई में, वहाँ पे टैप करना है, अंदर जाना है, ट्रेन में जाना है, मतलब मेट्रो में जाना है, अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा जब चेकआउट करेंगे तभी भी टैप करना है। मतलब वो एक टोटल उसका अमाउंट समझ जाता है उनको कि किधर से किधर ट्रैवल किया है। बुर्जुमान पहुंच गए जो कि इंटर कनेक्टिंग स्टेशन है। यहाँ से आप ग्रीन लाइन से रेड लाइन पे शिफ्ट हो सकते हो। वैसे आई थिंक हमारा मुंबई में भी एक मेट्रो स्टेशन है ना जहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हो। मेट्रो से अपन ने इतना ट्रैवल नहीं किया है मुंबई में तो पता नहीं, बट यहाँ पे काफ़ी ईजी है। ऑब्वियसली मुंबई में भी ईजी रहेगा, बहुत ईजी है, बट सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी काफ़ी ईजी है। मतलब प्रॉपर उन्होंने बोर्ड्स ये डाले, साइन बोर्ड डाले, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अल जदा मेट्रो स्टेशन में इतना भीड़ नहीं था, जैसा दादर है ना अपना मुंबई का जो मिड पॉइंट है, तो वैसा ये भी मिड पॉइंट है। सो हम लोग सिर्फ 6 दिरहम में बुर्ज खलीफा पहुंच गए, मतलब बुर्ज खलीफा मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए। यही जब हम टैक्सी देख रहे थे, टैक्सी ऑब्वियसली वहाँ पे बाहर ही छोड़ता था, बट फिर भी उसका 42 दिरहम्स दिखा रहा था। सो ये हमारा 6 दिरहम में काम हो गया, तो काफ़ी चीपर है मेट्रो और बहुत ही वेल मैनेज्ड और वेल मेंटेन्ड है। और पूरे सब जगह पे मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो के अंदर फुल AC है, तो आपको किधर भी इनकन्वीनियंस नहीं होगा। तो बुर्ज खलीफा दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरते ही आपको दुबई मॉल का एंट्रेंस मिल जाएगा। स्टेशन से बुर्ज खलीफा के मेट्रो स्टेशन से आपको टोटल अराउंड 10 to 15 मिनट्स चलना है। दुबई मॉल पहले आप पहुंचोगे और फिर दुबई मॉल से अंदर से होते हुए आपको एट द टॉप के यहाँ पे पहुंचना है। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किए तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, और नहीं आपने ऑनलाइन टिकट बुक किए तो आपको यहीं से टिकट बुक करके फिर ऊपर जाना है बुर्ज खलीफा के।
सो आप सभी लोगों को वो फेमस लिफ्ट तो पता ही होगी बुर्ज खलीफा की, जो एक मिनट में आपको 125th फ्लोर पे पहुंचा देती है। सो हमने टिकट्स बुक की थी 124th और 125th फ्लोर के लिए। हमें 148th फ्लोर पे जाना था बट उसका टिकट्स अवेलेबल नहीं था। उसका जो 148th फ्लोर का टिकट है वो समवेयर अराउंड 12,000 पर पर्सन का है, और 124th और 125th फ्लोर का टिकट उससे हाफ है। तो हमने दोनों का टिकट्स मिला के 11,000 के आसपास कुछ पे किया। हाँ, और हमारे इसमें स्काई व्यू भी है। हाँ, जो हम लोग आगे जाके करेंगे। तो यहाँ से ऊपर से व्यू तो इनक्रेडिबल है, मतलब बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर, एकदम ऐसा लग ही नहीं रहा ऐसा जैसे हम लोग सिम सिटी खेलते हैं या फिर ऐसा टॉय वाला कुछ हम लोग क्रिएट करेंगे ना, तो लिटरली वैसा फीलिंग है कि सब कुछ ऐसा छोटा है, एकदम हम लोग ऊपर से देख रहे हैं और सब कुछ एकदम छोटा छोटा दिख रहा है। मतलब कार्स तो लिटरली ऐसे चीटी जैसी लग रही है, एकदम छोटी छोटी, एकदम अनबिलीवेबल है। और सोचो ये 125th फ्लोर से व्यू है, 148th पे कैसा भी होगा, और उसके भी ऊपर आप जा सकते हो 154th फ्लोर के लिए, उसका टिकट उससे भी एक्सपेंसिव है। और यहाँ से ऑलमोस्ट आपको पूरा दुबई दिख रहा है, हम लोग के सामने पाम जुमेरा है, और फिर यहाँ पे जो फाउंटेन शो, वाटर फाउंटेन शो होते हैं, उसका जो पानी है वो भी पूरा दिख रहा है। 360 व्यू ही है आपको पूरे दुबई का। और ये जो फीलिंग है ना, मतलब एक्सप्लेन करने से ज़्यादा आप जब एक्चुअल में आके देखोगे ना तो आपको फीलिंग महसूस होगा। जब हम लोग लिफ्ट से भी आ रहे थे ना तो वो फील हो रहा था कि हम ऊपर जा रहे हैं, बहुत फास्ट जाते हैं, मतलब थोड़ा सा कान में फील होता है, पर सोचो ना एक मिनट में हम लोग 0 to 124th फ्लोर पे आ गए एक मिनट में। हमें यहाँ पे लगभग एक घंटा हो चुका है बट मनी नहीं भर रहा है यहाँ पे, क्योंकि व्यू ही इतना इनक्रेडिबल है। और क्या विजन है, मतलब 2004 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, 2009 में कंप्लीशन हो चुका था, और सिर्फ पाँच साल में इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड स्ट्रक्चर बनाया है, इनक्रेडिबल है। और अभी यहाँ पर गिफ्ट शॉप भी है, तो यहाँ पे इसे आपको कुछ सोवेनियर बाय करना है या फिर खुद के लिए कुछ लेना है तो आप ले सकते हो। मैं सोच रही हूँ कि बुर्ज खलीफा का जो स्टैचू है, मिनिएचर स्टैचू, वो मैं यहाँ से बाय करके जाऊँगी। तो गाइस अभी हम 124th फ्लोर पे आए हैं और यहाँ पे ओपन स्काई डेक है, यहाँ से बुर्ज खलीफा का जो रिमेनिंग पार्ट है ऊपर का वो दिख रहा है। और दिख क्या रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है अभी यहाँ से भी, तो आप सोचे कि इमेजिन करके देखिए कितना ह्यूज स्ट्रक्चर है ये, ऐसे पूरा इतना ऊपर कर दिया ना फिर भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखो दिख रहा है क्या, बुर्ज खलीफा का सीधा शेडो आया है, देख। हाँ, ये शेडो है ना। प्लान तो ऐसा था कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर करके रेस्टोरेंट है जहाँ से सिमिलर व्यू मिलता है, वो नहीं है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे गोल्ड वाला कॉफी था। हाँ, गोल्ड वाला कॉफी मिलता है जो पीने का था। और हम प्लान कर रहे थे कि डिनर के टाइम पे वहाँ पर आएंगे तो हमें फाउंटेन शो भी ऊपर से देखने मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिनोवेशन की वजह से क्लोज्ड है और ईयर एंड तक क्लोज रहेगा, सो नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो यहाँ पे सुवेनियर का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, और हम दोनों को भी जो स्टैचू पसंद आया था वो 249 दिरहम का था, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, आप INR में कन्वर्ट करके देख लो। तो हमने एक फ्रिज मैग्नेट बाय किया है जो 30 दिरहम का हमें मिला। आई नो कि ये भी एक्सपेंसिव ही होगा, बट यहाँ से कुछ तो हमें बाय करना था इतना बुर्ज खलीफा के ऊपर आके, तो हमने फ्रिज मैग्नेट ले लिया। सो हम लोग बुर्ज खलीफा से नीचे आ चुके हैं, और जैसे ही आप नीचे आते हो पास में ही फूड कोर्ट है, तो इसके बाद हम स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी जाने वाले, तो पहले सोचा कि कुछ खा लेते, काफ़ी भूख लगा है अभी, यहाँ पर 3 बज चुका है और बहुत चलना है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चलना है, बहुत चलना है। लंच करने के बाद में हम लोग गए डायरेक्टली स्काई व्यू के लिए, और वहाँ पे सिंस व्लॉग करना अलाउड नहीं था, मतलब माइक अलाउड नहीं था, उसके लिए हम लोग वहाँ पे ज़्यादा व्लॉग ही नहीं कर पाए।
क्योंकि हम लोग को सीधा बोल दिया कि माइक निकाल दो, तो जो भी हम लोगों ने वहाँ पे सारे गोप्रो से शॉट्स लिए और फोन से शॉट्स लिए। मैं तो रिकमेंड करूँगी कि जो भी दुबई आ रहे हो वो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बुर्ज खलीफा में जाके आपको नीचे बाकी का दुबई सिटी कैसा है वो दिखता है, बट स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी से आपको बुर्ज खलीफा दिखता है और शेख जायद रोड भी दिखता है, जो कि इनक्रेडिबली डिज़ाइन किया है। सो वो बहुत ही अच्छा है। और हम लोग 4:30 बजे गए थे और ऑलमोस्ट अभी 7 बजने आए, तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। टिकट भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, आई थिंक 90 दिरहम के आसपास इसका टिकट है विद स्लाइड। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा, और अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय वंडर्स।